तो आज का एक नया वीडियो बना रहे हैं, यानी अपडेट कर रहे हैं। आज वैसे 13 तारीख है, 13 जैन 2023, 13th जैन 2023। वीडियो अपलोड कल होगा, कल 14th जैन 2023, यानी संडे को ये जो भी टाइम पे अपलोड होगा, ये वो वीडियो है जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में जो मैंने आप लोगों को कहा था कि अब जो सेलिंग वीडियो आएगा उसमें जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, उसके खुशी में मैंने, मतलब कि हमारे जो ऑर्बिट के मेंबर हैं उनके लिए खास करके ये वीडियो रखी है सेलिंग पर्पस की। इसमें मैं आप लोगों को जो भी कॉइन्स दूंगा एक अच्छे प्राइस में देने वाला हूँ। तो ऐसे 10 लोग जो हमारे मेंबर हैं उनके मैसेजेस जो भी आएंगे बाइंग के लिए, सबसे पहले जिनका होगा, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ऐसे 10 जितने भी मेंबर्स होंगे, पहले उनको वो कॉइन्स प्राइस में प्रेफर किए जाएंगे, और उसके बाद फिर अगर कोई मेंबर हो या ना हो उसके बाद उनको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन फिर उनके लिए प्राइस चेंज हो जाएगी। ठीक है, ऑफ़र वाली प्राइस पहले 10 लोगों के लिए होने वाली है, और इसमें मैं आप लोगों को कुछ स्कार, वेरी स्कार और रेयर हो चुके हैं और एक्सट्रीमली रेयर भी एक कॉइन आप लोगों को मैं इसमें देने जा रहा हूँ, ताकि जो लोग भी कलेक्शन करते हैं, हर किस्म के लोग हैं कलेक्शन करने वाले, कोई स्कार पे इन्वेस्टमेंट करता है, कोई वेरी स्कार भी तक भी ले लेता है, कोई रेयर तक ले लेता है, लेकिन किसी किसी का बजट एक्सट्रीमली रेयर कॉइन लेने का भी होता है, तो वो कॉइन्स भी वो ख़रीद सकता है। तो मैंने सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ रखा है, पाउचेस भी है, छोटे छोटे लॉट्स भी है, सिंगल डबल कॉइन्स भी है, और साथ में 20-20 कॉइन के पाउचेस भी है, सॉरी सेट्स भी है। ठीक है, जो 20 कॉइन के सेट मैं बना के देता हूँ वो भी है। तो ये सब कुछ आपको आज के वीडियो में देखने मिलेगा, और कुछ अपडेट मैं अपने काम से रिलेटेड करना चाहूँगा। ऑफिस तो मैंने आप लोगों को पता है कि शिफ्ट करके काम स्टार्ट किया है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट मैंने अभी तक किसी को नहीं दिया है। कम से कम 20 तारीख तक, यानी 20 जनवरी 2024, ठीक है, 23 कभी कभी निकल जाता है मुझसे, अभी रिसेंटली शुरू हुआ है 24 हमारा 2024, तो ये होता है, तो याद रखना 2024 के जनवरी 20 के बाद मैं अपॉइंटमेंट देना स्टार्ट करूँगा। तो जो लोग होल्ड पे है उनको 20 के बाद का ही टाइम मिलेगा, चाहे वो मेंबर हो या ना हो। ठीक है, और जो लोग कॉइन्स के पार्सल्स भेजना चाहते हैं, अगर मैं उनको बोल रहा हूँ तो वो लोग भेज सकते हैं। जिनको मैंने कहा है प्रॉपरली लिस्टिंग करके बनाना है, तो वो लोग पहले वो लिस्टिंग करके बनाएं कि कौन से उनके पास कॉइन्स है, कितनी क्वांटिटी में है, कौन से मिंट के हैं, ये जानना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप खाली लिख के किसी कॉइन का नाम भेज दोगे, जैसे मिसाल के तौर पर आपने लिख दिया 5 रुपीज़ मदर हेल्थ वाला कॉइन आपके पास है, मदर हेल्थ चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, ये लिख के आपने भेज दिया कि 10 पीस हैं, 5 पीस है, 15 पीस है, अब उसमें 3 अलग अलग मिंट से वो कॉइन बने, मुंबई मिंट है, हैदराबाद मिंट है और नोएडा मिंट है, तो पहले आपको मेंशन भी करना होगा किस मिंट से आपके पास वो कॉइन है, उसके बाद ही मैं आपको प्रॉपरली रिप्लाई दे पाऊँगा। जो सिंगल मिंट कॉइन होता है उनके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अलग अलग मिंट के होते हैं उनका मिंट लिखना भी ज़रूरी है। और याद रखिएगा, स्कार और वेरी स्कार कॉइन मैं सिर्फ अपने मेंबर से बाय कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम पहले ही मैंने बता दिया था, नॉन मेंबर से भी वो स्कार वेरी स्कार श्रेणी के सिक्के हम नहीं ले सकते हैं, स्कार्स वेरी स्कार्स, ठीक है, ये SCARCE स्कार्स है, कभी कभी होता है प्रोनाउंसिएशन में स्कार, यानी कि SCAR वाला स्कार नहीं, तो दुर्लभ तो श्रेणी रेयर होती है, एक्सट्रीमली दुर्लभ यानी कि अति दुर्लभ आप उसको बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रेयर हो चुका है कॉइन, तो वैसे ही स्कार्स यानी कि अभी वो दुर्लभ श्रेणी में गया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी क्वांटिटी कम है, और वेरी स्कार्स की और ज़्यादा कम क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो जो भी, मतलब अभी मैं आप लोग को कॉइन दूंगा इस श्रेणी के है, और आप लोग भी अगर मुझे देना चाहते हैं तो पहले आप लोगों को बताना पड़ेगा किस श्रेणी के कॉइन्स है, और मेंबर से ही मैं स्कार्स और वेरी स्कार श्रेणी के कॉइन्स खरीदता हूँ। ठीक है, नॉन मेंबर्स अगर देना चाहते हैं UNC टाइप की कंडीशन के कुछ अच्छे कॉइन्स है स्कार्स वेरी स्कार्स में भी, तो मैं हो सकता है उनको चांस दूँ, उनसे भी खरीदूँ। ठीक है, मेंबरशिप का मैंने ऑफ़र रखा हुआ है 30 जैन तक, आप लोगों को पता है 1200 रुपये में दे रहा हूँ लाइफ टाइम मेंबरशिप, जिसमें मेरी एक बुक और आपको एक कॉइन एल्बम जिसमें आप 108 कॉइन लगा सकते हैं वो फ्री मिल रही है,
यही मेंबरशिप बाद में फिर से 1500 रुपये की हो जाएगी। तो 30 जनवरी 2024 तक ये ऑफ़र है। इसी सेलिब्रेशन के बेस पे काफ़ी लोगों ने मेंबरशिप ले भी ली है। बहुत सारे ऐसे पुराने लोग थे जो काफ़ी टाइम से मेरे से बाइंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये आया है ऑप्शन, मैंने लास्ट वीडियो में बोला, तो उन्होंने पहले मेंबरशिप ले ली 1200 में। ठीक है, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मेरी बुक बाई की हुई थी, तो वो एल्बम भी एक उन्होंने मुझसे ली हुई थी, तो बोला सर अभी कुछ ऊपर का अमाउंट दे के मैं मेंबरशिप लेना चाहता हूँ, तो मैंने उनकी भी मेंबरशिप एक्सेप्ट की है। तो बहरहाल जिनको टाइम है, मतलब जो अच्छा मेंबरशिप का ख़ास तौर पे ख्याल रखना, ये मत सोचना कभी भी कि मेंबरशिप लेने से मेरे सिक्के सारे बिक जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। मैं शुरुआत से बोलते आ रहा हूँ, अभी भी बोलूँगा कि मेंबरशिप बनने से सबसे पहले आपको जो मेरी बुक मिलती है उससे आपको गाइडलाइन मिलती है कि कौन से सिक्के क्या वैल्यू के हैं, किस श्रेणी के हैं, बराबर। उसके बाद फिर आप उससे रिलेटेड अगर सिक्के आपके पास है और अच्छी कंडीशन में है तो आप वो हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो वो सिक्के मैं स्कार्स और वेरी स्कार्स श्रेणी के हर मेंबर से 2 से 3 महीने में एक बार 5000 के सिक्के ख़रीद सकता हूँ। यानी हर साल में कम से कम मेरे हिसाब से 4 बार मौका मिलेगा एक मेंबर को 5000 के सिक्के बेचने का, और ये मौका 6 बार भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ही रेयर सिक्के अगर आपके पास होते हैं तो उसका भी प्रोसेस है, उसका भी कुछ तरीका है, वो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है कुछ रेयर सिक्के मैं आपसे 20-30-50 हज़ार के वैसे ही ख़रीद लूँ या बिकवा दूँ। ठीक है, तो उसमें लिमिट नहीं होती है कि 5000-10000, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के रेयर सिक्के हैं, किस कंडीशन में है, और उनके मेरे पास बायर्स अगर अवेलेबल है तो तुरंत उसमें आपका काम हो जाता है। तो सारी चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, तो चलिए आज की जो सेलिंग वाली वीडियो है, जो ऑफ़र के लिए मैंने रखी है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को कुछ कॉइन्स दिखाऊंगा, फिर आपको पाउचेस और सेट्स भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले स्कार श्रेणी के कॉइन्स से ही स्टार्ट करते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी के ये 20 कॉइन है, संत ज्ञानेश्वर जी के। ठीक है, एक्चुअली डी इनका साइलेंट है, तो संत ज्ञानेश्वर जी के नोएडा मंट के जो स्कार श्रेणी के कॉइन्स है, ये 20 पीस का लॉट है, आप देख सकते हैं। और इसकी जो मार्केट प्राइस है ना, ये UNC BUNC टाइप के कॉइन्स है। अभी मैं हर एक को खोल खोल के तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी पहला है तो मैं चाहता हूँ दिखाई दूँ। ये देख सकते हैं आप, UNC BUNC कंडीशन के ये कॉइन है, FSS में बने हुए 1 रुपीज़ के कॉइन, और नोएडा मंट के खास करके इनकी डिमांड अब बढ़ रही है। इनकी मार्केट प्राइस जो चल रही है ना फिलहाल इस कंडीशन में, 170 तक भी है और 200 तक भी आप बोल सकते हैं, ये एक एक कॉइन बिक रहा है अभी फ़िलहाल। आप लोग अगर चाहिए तो एक कॉइन आपको 150 रुपीज़ के हिसाब से मिल जाएगा। मिनिमम क्वांटिटी बुक करवानी है तो कम से कम 5 आप बुक करवाएंगे। ठीक है, या अगर आप 2500 की कुछ चीज़ें ख़रीद रहे हैं तो उसमें एक कॉइन भी आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। वैसे अगर मंगवाना चाहते हैं सिर्फ यही कॉइन तो 5 कॉइन आपको मिनिमम बुक करवाने हैं। ठीक है, 50 रुपीज़ शिपिंग भी लगेगा। ऐसे ही ये देखिए 2 रुपीज़ के संत तुकाराम जी के भी कॉइन आए हुए कॉपर निकल के, और ये भी है नोएडा मंट के ही, और ये भी BUNC या UNC कंडीशन आप बोल सकते हैं, इस टाइप के ही आए हुए हैं, अच्छी कंडीशन में है। ठीक है, और ये लगभग मेरे पास मेरे ख्याल से 20 पीस आए हुए हैं, और ये इस मिंट से भी स्कार्स ही श्रेणी में है। वैसे हैदराबाद में ये और ज़्यादा डिमांड में है, फ़िलहाल ये नोएडा में आए हुए हैं UNC कंडीशन में। इसकी प्राइस लगभग मार्केट चल रहा है 120-125 रुपये तक। ठीक है, और आपको ऑफ़र प्राइस मिलने जा रहा है 90 रुपये के हिसाब से, मिनिमम 5 की बुकिंग आपको इसकी भी करनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं, डिमांडिंग कॉइन है FSS में, आप लोगों को पता है वीर दुर्गादास जी का जेम UNC कंडीशन में आया हुआ लॉट है ये। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा बेहतरीन जेम UNC कंडीशन का लॉट है, लगभग 20-25 कॉइन है इसमें, जो आपको मैं इस प्राइस में ऑफ़र करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसकी प्राइस वैसे मार्केट चल रही है लगभग 450, अब मेरे ख्याल से 500 भी टच हो जाएगी इसकी मार्केट बहुत जल्द, और आगे का तो बताऊँगा नहीं भी फिलहाल, इतना समझ लीजिए ये भी काफ़ी अच्छे डिमांड में आने वाला है। तो ये इस कंडीशन में आप लोगों को फ़िलहाल एक कॉइन 350 रुपये में मिलने जा रहा है, 350 रुपीज़। ठीक है, यानी 450 या 500 की चीज़ आपको 350 रुपये में ये भी
कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अपने कलेक्शन में इन्हें ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो 10 लोग हैं उनको ऑप्शन मिलेगा, 10 के बाद वालों को ये कॉइन अगर ख़रीदना होगा तो कम से कम 450 रुपये पे करना है। ठीक है, तो जो भी ऑफ़र बता रहा हूँ ना, जैसे 90 रुपये इसका बताया, तो 10 के बाद वाले जो लोग होंगे उनको 125 से मिलेगा, ये वाले का जो मैंने बताया आपको ये 170 से फिर मिलेगा, तो ऐसा थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूँ, वेरी स्कार श्रेणी का एक कॉइन दिखाने जा रहा हूँ, 1988 नोएडा मिंट के ये दो कॉइन है। ठीक है, और दोनों की एक एक की प्राइस की बात करूँ, ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के, अच्छी कंडीशन के कॉइन है ये। प्राइसिंग की बात करें तो 1400 रुपीज़ में आपको इस कंडीशन में मिल जा रहा है, जबकि इस कंडीशन में ये 2000 से कम में नहीं है, कम से कम 1800 तो आप बोल ही सकते हैं कि इसकी प्राइस हो सकती है, लेकिन आपको ऑफ़र में मिल रहा है, तो जिस किसी को बुक कराना है ये दो वेरी स्कार श्रेणी के जो बहुत जल्द रेयर भी हो जाएंगे। ठीक है, ये दो कॉइन भी आप 1400 के हिसाब से एक कॉइन बुक करवा सकते हैं। ऐसे ही रेयर श्रेणी का ये सिक्का है, आप लोगों को पता ही है, महाराणा प्रताप जी के बॉम्बे मिंट के ये कॉइन है, और सारे के सारे जेम यूएनसी कंडीशन के आए हुए हैं, जो मैं आपके लिए ऑफ़र में देने जा रहा हूँ। इसका वैसे मार्केट 1200 तक भी है, आप लोगों को पता है, जो मैंने खुद भी सेल किया और काफ़ी जगह पे ये बिका है। अब इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो ये एक जोड़ी आपको मिल जाएगी 2000 रुपये में। ठीक है, यानी दो कॉइन आपको 2000 रुपीज़ में मिलेंगे, एक कॉइन की प्राइस हो जाएगी 1000 रुपीज़ जेम यूएनसी कंडीशन, बॉम्बे मिंट का है और रेयर श्रेणी में ये भी घोषित हो चुका है, तो ये भी एक अच्छा कॉइन है, कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ 5 रुपीज़ के भी कॉइन में मैं जाने से पहले एक 1 रुपीज़ का लॉट, मिनी लॉट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये 2005 के 1 रुपीज़ के क्रॉस कॉइन है और लगभग सारे के सारे एक्स्ट्रा फाइन प्लस से ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के ये कॉइन है। कितने कॉइन हैं, क्या प्राइस है इसकी, ये भी दिखा देता हूँ। 2005 का कोलकाता मिंट का है, 54 पीस है ये। ठीक है, मोस्टली ये ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन के है। मार्केट प्राइस वैसे एक कॉइन की 75 से 90 रुपीज़ के बीच में चल रही है इस कंडीशन में, यूएनसी होगा तो शायद 100 के ऊपर ही आपको देना पड़ेगा। तो फिलहाल ये आपको लगभग 60 रुपीज़ के एवरेज के हिसाब से 3200 रुपये में ये सारे कॉइन मिल जाएंगे, 54 पीस है। ये भी कहीं ना कहीं स्कार्स ही हो गए हैं समझ लीजिए अब, पहले तो 2004 का 1 रुपया स्कार से रेयर हो गया, फिर 2006 का वेरी स्कार में गया है कहीं ना कहीं, अब 2005 का भी 1 रुपीज़ स्कार में, ऐसी कंडीशन में या यूएनसी कंडीशन में आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मिनी लॉट है, जिस किसी को बुक कराना है 54 कॉइन आपको मिल जाएंगे 3200 रुपये में, 3200 रुपीज़ में 54 कॉइन्स। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूँ, 5 रुपीज़ में आपको दिखाने जा रहा हूँ जेम यूएनसी कंडीशन का ये लॉट है। ये देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए निकाला स्पेशली, यानी कि जो लोग अभी ऑफ़र में लेंगे मुझसे तो उनके लिए ये कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि ये उनके कलेक्शन में ऐड हो जाए। तो फिलहाल इसकी प्राइस भी आपको पता है, इस कंडीशन में 1600 1700 1800 तक भी चल रही है। ठीक है, आप फिर भी एवरेज पकड़ के चल सकते हैं, 1600-1700 रुपीज़ में अभी ये कॉइन पहुँचा है और बहुत जल्द मेरे हिसाब से 2000-2500 की रेंज में भी ये कॉइन चला जाएगा इस कंडीशन में। फ़िलहाल आप लोग अगर चाहें तो 1450 रुपीज़ के हिसाब से ये एक कॉइन आप मंगवा सकते हैं। सिर्फ एक ही कॉइन अगर कोई मंगवा रहा है तो 50 रुपीज़ एडिशनल दे के, यानी 1500 रुपये में उसको ये जेम यूएनसी कंडीशन का खादी एंड ग्राम उद्योग वाला ये कॉइन ले सकते हैं जेम यूएनसी कंडीशन। ठीक है, और FSS में ही, यानी फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में ही आपको दिखाने जा रहा हूँ ये भी एक लॉट जो है बी यूएनसी कंडीशन का ही, तिलक की वाला। ठीक है, ये भी एक लॉट है, मिनी लॉट जो मैंने आप लोगों के लिए निकाला है, FSS में बेस्ट कंडीशन में है ये अवेलेबल। ये भी लगभग अभी फ़िलहाल इस कंडीशन में 1800 तक सेल हो रहा है। फ़िलहाल अगर आप एक पेयर लेना चाहें तो ये आपको, एक जोड़ी अगर आप लेना चाहें तो ये आपको 3000 रुपये में एक जोड़ी मिल जाएगी, 33000 रुपीज़ में। ठीक है, 3000 रुपये में, यानी एक कॉइन 1500 रुपये में ये आपको जेम यूएनसी कंडीशन का तिलक की वाला FSS का। ठीक है, इसमें कॉपर निकल का भी आता है तिलक की वाला और ये भी आता है, इसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा है कॉपर निकल वाले से। ठीक है, हालांकि दोनों ही कहीं ना कहीं वेरी स्कार ही हो चुके हैं, चाहे ये वाला हो या फिर कॉपर निकल वाला हो, तो जिसको भी बुक कराना है ये जोड़ी आपको 3000 में मिल जाएगी, यानी 1500 रुपये में एक कॉइन ये आपको मिलेगा। ऐसे ही
बी यूएनसी कंडीशन में हाई डिमांडिंग कॉइन 2005 के, आपको पता है ये क्रॉस वाले कॉइन बी यूएनसी कंडीशन में 4 कॉइन आप लोगों के लिए मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ। प्राइजिंग की बात करूँ तो आपको पता है ये 3200-3300 में सेल हो रहा है, ऑफ़र प्राइस है 2800 रुपये का एक कॉइन, ठीक है। 2800 रुपीज़ में आपको एक कॉइन मिल जाएगा। 4 कॉइन अवेलेबल हैं बी यू एन सी कंडीशन के चारों देख सकते हैं आप, ठीक है। तो 2800 में दे रहा हूँ और आपसे 6 महीने बाद और बढ़ा के ही मैं ख़रीदने की भी इसकी गारंटी दे सकता हूँ। 6 महीना एक साल भी अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको इसका मैं अच्छा खासा शायद प्राइस बढ़ता हुआ नज़र आएगा और मैं ख़ुद भी इसका आपको बढ़ा के दे सकता हूँ, ऐसे ऑफ़र में ये आपको मैं देने जा रहा हूँ। तो जितने भी कॉइन्स हैं अगर आपने 2 से 3 साल होल्ड कर लिया तो काफ़ी अच्छा आपको उस पर रिटर्न्स भी देखने मिल सकता है, ठीक है। तो ये हुए कुछ कॉइन्स। अब एक सिंगल कॉइन पहले दिखा देता हूँ जो कि एक्सट्रीमली रेयर है, फिर और भी कॉइन्स मैं आपको दिखाऊँगा। तो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स कलेक्शन करने वालों के लिए ये एक कॉइन अवेलेबल है इस वीडियो में, समझ गए होंगे आप लोग जिनको पता है कि ये डांडी मार्च का 5 रुपीज़ का कॉपर निकल का कॉइन, सर्कुलेशन स्ट्राइक वाला, जिसकी पहचान आप देख सकते हैं सिक्योरिटी एज, ये देख सकते हैं आप सिक्योरिटी एज का ये कॉइन है। जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन आप बोल सकते हैं इसकी, ये देख लीजिए, ठीक है। ये कॉइन अब जो है इस कंडीशन में 22-30 हज़ार में सेल हो रहा है, यूएनसी में लगभग 30-30 हज़ार 32 हज़ार में भी ये ऑफ़र हो रहा है। मैंने यूएनसी में लास्ट टाइम 27,786 में सेल किया था, जब मैंने वीडियो डाला था ना तो जिन्होंने बुक कराया था उसके बाद मेरे पास 30 हज़ार तक का ऑफ़र आ गया था, लेकिन मैंने जिनको बोला था उन्हीं को दिया। तो अभी फ़िलहाल ये लगभग इस कंडीशन में एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन है, ये इस कंडीशन में मेरे हिसाब से 22-23 हज़ार में ये सेल हो रहा है, 20 के नीचे नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको लेना है तो ये 18,000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, 18,000 रुपये में सर्कुलेशन स्ट्राइक डांडी मार्च का एक्सट्रीमली रेयर कॉइन। तो जिस किसी को भी एक्सट्रीमली रेयर कॉइन ऐड करने हैं आज के दिन ऑफ़र में, ये आप अपने कलेक्शन में ऐड करके रख सकते हैं। मिनिमम 2 से 3 साल होल्ड कीजिए, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें आपको सेल करनी है तो करनी है, या तो और होल्ड करेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने मिल सकता है। और ये आप देख रहे हैं 20 कॉइन का ये छोटा सा बी यूएनसी कंडीशन का लॉट, बेगम अख्तर जी का हैदराबाद मिंट का ये, ठीक है। और ये 20 कॉइन है और जिस किसी को लेना है ये 20 कॉइन 900 रुपीज़ में आपको ये मिलने जा रहे हैं। वैसे अगर आप बुक कराएंगे यानी इसके एक्चुअल प्राइस बोलूँ तो ये आपको 20 कॉइन मिलेंगे 1,000 रुपये में, तो ये आपको ऑफ़र में 900 रुपीज़ में मिलने जा रहे हैं बी यू एन सी कंडीशन। तो अब पाउच की तरफ बढ़ते हैं, पाउच पहले दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो देखिए ये भेल नोएडा का पाउच है, भेल वाला कॉइन, नोएडा मिंट का स्कार श्रेणी का बी यू एन सी कंडीशन का पाउच है। और प्राइसिंग की अगर बात करूँ मार्केट प्राइस 4,000 से 4,500 पाउच का चल रहा है, 100 कॉइन का ये पाउच है। और अभी फ़िलहाल ऑफ़र में आप लोगों को मिलने जा रहा है 3600 रुपीज़ में, 3600 रुपये में, यानी 1.36 रुपीज़ में ही मिला आपको, काफ़ी बेस्ट प्राइस में आपको इसकी दे रहा हूँ पाउच की, ठीक है। ऐसे ही देखिए रानी वाला कॉइन जो होता है हैदराबाद मिंट का बी यू एन सी कंडीशन का, ये भी पूरा पाउच है 100 कॉइन का। इसकी मार्केट भी कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है 4,500 तक चल रही है, 4,000 के ऊपर ही है। मैंने खुद इसको 4,200, 3,000, 4,500 में भी सेल किया हुआ है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये आप लोगों को मिलने जा रहा है 3,800 रुपीज़ में, 3,800 रुपये में, यानी एक कॉइन आपको 3,800 रुपीज़ का ही मिला, ठीक है। तो ये भी पाउच अगर बुक करते हैं आने वाले टाइम में, ये एक एक ही पाउच है मेरे पास जो आपको मैं आज ऑफ़र में दे रहा हूँ, ठीक है। अगर वो बुक हो गया तो अगर फिर किसी को चाहिए होगा तो वो प्राइस में नहीं मिलेगा, कम से कम ये 4,200-4,300 में आपको मिल जाएगा मेरे पास से, अगर अवेलेबल मैं करवा पाया तो। और बेगम अख्तर वाला ये एक और कॉइन का पाउच मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, और ये है कोलकाता मेंट का, इसके भी काफ़ी हाल ही में डिमांड है मार्केट में, 5,500-6,000 तक ये सेल हो रहा है, ठीक है। और ये आपको 100 कॉइन का जो पूरा पाउच है ये आपको मिल जाएगा 4,800 रुपीज़ में, 4,800 रुपये में,
जो कि काफ़ी अच्छा ऑफ़र है, 4800 रुपया, 4800 रुपीज़। बेगम अख्तर BUNC, ये मेरे पास चार पाउच है, जिस किसी को बुक कराना है आप चाहे तो एक साथ चार बुक करवा लो, या दो करवा लो, या एक करवा लो, ठीक है। तो ये भी एक पाउच मैंने आपको बता दिया, बाकी जो बेल और मैंने रानी वाला बताया ये एक एक ही पाउच अवेलेबल है इस प्राइस में जो मैंने वीडियो में दिखाई है। तो ये बेस्ट ऑफ़र मैंने आप लोगों को दिया है, और अब मैं आप लोगों को कुछ सेट्स दिखाने जा रहा हूँ, जो 20 कॉइन्स के सेट्स होते हैं जो मैं देता हूँ अक्सर, और आज के लिए भी मैंने ऑफ़र में ये लाया है। ये एक सेट आप पहले देख लीजिए, इसमें 5 रुपीज़ के कौन से कॉइन हैं, आप खुद ही नज़र लगा के देख सकते हैं, बेस्ट कॉइन इसमें रखे हुए हैं। इसमें 2005 का नोएडा मिंट का भी एक कॉइन आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट UNC कंडीशन का रेयर कॉइन है, 2005 का 5 रुपीज़ में हैदराबाद भी है, 2004 का 1 रुपया मुंबई मिंट का भी है, और 1 रुपया महाराणा प्रताप जी का भी है। ऐसे ही अलग अलग कॉइन्स इसमें देख सकते हैं आप, रेयर स्कार वेरी स्कार श्रेणी के कॉइन्स अच्छी कंडीशन में अवेलेबल हैं। टोटल ये 20 कॉइन्स है, ठीक है, और ये आपको मिलने जा रहा है पूरा 20 कॉइन का ये सेट 9000 रुपीज़ में, 9000 रुपये में। 3 साल 2 साल होल्ड करो, प्राइस 2 गुना 3 गुना भी इसका इजीली बढ़ सकता है, ठीक है। और ये भी एक सेट है 20 कॉइन का, इसमें एल्युमिनियम मैग्नीशियम के भी काफ़ी अच्छे अच्छे जेम UNC कंडीशन के कॉइन लगे हुए हैं। और रेयर कॉइन्स की अगर बात करूं तो इसमें आपको देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी का हैदराबाद वाला भी देखने मिलेगा, और ये भी आप देख सकते हैं जेम UNC कंडीशन में फूड वर्ल्ड फूड डे वाला भी आपको देखने मिलेगा हैदराबाद मिंट का, ठीक है। 1997 का 20 पैसा भी हैदराबाद मिंट का, ये भी कहीं ना कहीं रेयर ही है। ऐसे अच्छे अच्छे कॉइन्स इसमें लगे हुए हैं जो आप ले सकते हैं, और इसमें एक रोटेशन एरर वाला भी है, 2 रोटेशन एरर वाले कॉइन है एक्चुअली, ठीक है। तो ये आप लोग को मिलने जा रहा है 6500 रुपीज़ में, वैसे इसकी ऊपर जो प्राइस लिखी हुई है ना उसको ही कैलकुलेट करेंगे तो ये 8000 रुपये जाएगा, जो इसके पीछे मतलब प्राइस मैंने लिखी है, ठीक है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ, 8000 से कम नहीं होगा। तो ये 6500 में 20 कॉइन आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही ये भी एक सेट है जो आप ले सकते हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं स्मारक सिक्के लगे हुए हैं जो स्कार वेरी स्कार श्रेणी के हैं, कुछ रेयर श्रेणी के भी आप देख सकते हैं, 1944 का और 45 का लाहौर मिंट 1 पाइस भी आपको ब्रिटिश इंडिया के देखने मिल जाएंगे। अलग अलग सिक्के काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं, जो आप अपने कम बजट वाले लोग हैं अपने कलेक्शन में ऐड करके रख सकते हैं। और इसकी अगर MRP तो नहीं बोलेंगे, जैसे मार्केट वैल्यू जिस हिसाब से चल रही है उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो ये 4000-4500 रुपये का होता है, जो आपको आज के दिन 3000 रुपये में ये 20 कॉइन का पूरा सेट मिलने जा रहा है। और ये एक एक ही है, ठीक है, किसी एक ने बुक करवा लिया तो मैं दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं करवा सकता हूँ। जितने ये सेट्स दिखा रहा हूँ, ये एक और सेट बचा है लास्ट 4th सेट, ये भी देख लीजिए, इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्मारक सिक्के, अच्छे कलेक्टेबल मिंट से स्कार्स वेरी स्कार्स मिंट से ये सिक्के आपको देखने मिलेंगे, नेटिव सीरीज़ के भी है, ठीक है, 1 रुपीज़ है, 2 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ है, सारे कॉइन UNC BUNC कंडीशन के भी आपको इसमें देखने मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा सेट वैसे कैलकुलेट करेंगे तो 3500-4000 रुपये का है, लेकिन आज के दिन आपको ये मिलने जा रहा है 2500 रुपये में, 2500 रुपीज़ में। तो ये सभी सेट भी काफ़ी अच्छे प्राइस में मैं आपको दे रहा हूँ, इनको भी सिर्फ 2-3 साल होल्ड कीजिए और आप इसके भी रिटर्न्स देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं सेट्स के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। 2020 कॉइन्स के काफ़ी सेट्स मैंने पहले भी दिए, 5 रुपये वाला सेट भी दिया है जिसमें मैंने 20 कॉइन सिर्फ 5 रुपये के दिए है, जिसमें 2004 का हैदराबाद वाला कॉइन भी उसमें मैंने दिया था। तो ऐसे अलग अलग कॉइन्स उसमें थे जो मैंने 5000 में भी दिए और 6000 में भी दिए। तो जिन लोगों को मैंने 5000 में दिया था आज के लिए उनका ऑफ़र है, अगर वो मुझे वो रीसेल करना चाहते हैं तो 6000 रुपीज़ में मुझे वापस से वो बेच सकते हैं। और एल्युमिनियम मैग्नीशियम के भी जो मैंने सिक्के का सेट दिया हुआ है, आप लोगों को याद होगा 20 कॉइन्स के एल्युमिनियम के जेम UNC कंडीशन के टाइप के मैंने सिक्के उसमें दिए थे, जिसमें मेरे ख्याल से AKM के भी कुछ सिक्के लगे हुए थे, टोटल 16 स्मारक सिक्के उसमें थे। तो जेम UNC कंडीशन का वो जो सेट मैंने दिया था 3500 रुपीज़ में मार्केट में मैंने दिया हुआ है, आज के दिन के लिए उन लोगों के लिए ऑफ़र है एज़ इट इज़। अगर मुझे वो सेल करते हैं
तो मैं उनसे 4500 रुपीस में लेने के लिए तैयार हूँ आज के दिन। यानी कि अभी ये ऑफ़र मैं जो ख़रीदने वाला दे रहा हूँ ना, ये 20 जनवरी 2024 तक ये ऑफ़र मैं उनके लिए रखूँगा, क्योंकि वीडियो ज़रूरी नहीं आज के आज लोग देखेंगे, 2-3 दिन भी जाता है बाद में भी लोग देखते हैं। तो जो लोग मुझे वो सेट देना चाहते हैं एज़ इट इज़ कंडीशन में, मुझे वापस से दे सकते हैं। और अष्टमंगल वाला जो मैंने आप लोगों को सेट दिया था, जिसमें बायबैक मैंने आप लोगों को जो 3500 में दिया था और 5000 का मैंने ऑफ़र भी दिया था, तो अब एक और नया ऑफ़र देने जा रहा हूँ अगर कोई मुझे देना चाहता है तो। ये 20 तारीख तक का टाइम है, ठीक है, जिनको मैंने दिया है उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उनसे मैं वापस लेने के लिए ऑफ़र दे रहा हूँ। अगर वो देना चाहे तो 5500 रुपीज़ में आप मुझे वो सेट दे सकते हैं एज़ इट इज़ कंडीशन में, ठीक है। तो ये ऑफ़र्स भी है आज के, बाइंग के भी और सेलिंग के लिए, तो आपको यानी आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो उनके लिए भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे ये ऑफ़र्स मैंने दिए हैं। तो चलिए, ये थी आज की वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो आएगी कुछ 4-5 दिन के बाद ही, और फिर उसके बाद मेरे हिसाब से वीडियोस रेगुलर आएगी। तो थोड़ा सा ये वीक भी मेरा आने वाला, थोड़ा सा सब काम हो जाएंगे, निपट जाएंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। उसके बाद फिर मैं रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आएगी और बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो ये 10,000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में ये हम लोगों ने आज की वीडियो रखी है। जिसको भी जो कुछ भी बाय करना है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है, एक बार चेक कर लीजिए, नए लोगों को बता रहा हूँ। उस पर व्हाट्सअप करने के बाद फिर मैं जो दूसरा नंबर दूंगा उस पर आपको मैसेज करना है और बाइंग करनी है। तो आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला हो। चलिए।